वेलकम बैक। आज की वीडियो में विजिट करेंगे हम दिल्ली का IRCTC रेलवे लॉन्च एक्सप्रेस, क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पर मिलती है, किस किस क्रेडिट कार्ड से आप यहाँ पर इन फैसिलिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं, कितना आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा और एक क्रेडिट कार्ड पर कितने लोग विजिट कर सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पर मिलेंगी, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और कम्प्लीटली आपको ये फैसिलिटी दिखाने वाला भी हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। मैं हूँ धीरज, आप देख रहे हैं टेक धीरज। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाला हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम से आप तक पहुंचता रहे। अगर इनमें से आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है उससे आप दिल्ली का IRCTC रेलवे लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट ले पाएंगे। अगर आप दिल्ली विजिट करते हैं और आपके पास ये सभी क्रेडिट कार्ड हैं तो दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर IRCTC रेलवे लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट उठाना ना भूलें। यहाँ पर सिर्फ आप अपने क्रेडिट कार्ड से 2 रुपए का ट्रांजेक्शन करेंगे और यहाँ पर मिलने वाली सारी फैसिलिटी का बेनिफिट उठा पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको खाना भी मिलेगा और सुबह का ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। इसके अलावा अगर आप एक कार्ड से एक ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप 1 पर्सन के लिए वहां पर वैलिड होंगे, वो आप पर्ची आपको दिखानी है, दिखाने के बाद वहां की जो फैसिलिटी है आप यूटिलाइज कर सकते हैं, वाईफाई यूज ले सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, वो सारी फैसिलिटी आप वहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। और वहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो खाना मुझे मिला है वो मैं आपको वहाँ दिखाने वाला हूँ, नॉन वेज और वेज दोनों मिलेगा। और एक कार्ड से केवल एक ही पर्सन विजिट कर सकता है जिसका कार्ड है। और अगर आपके पास एडिशनल और भी क्रेडिट कार्ड है इनमें से तो आप अनदर पर्सन को भी विजिट करा सकते हैं, आपको केवल 2 रुपये का ट्रांजेक्शन करना है और आपको फैसिलिटी बहुत ही अच्छी यहाँ पर मिलने वाली है। जैसे आप दिल्ली के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाएंगे, वहाँ पर जाकर आपको IRCTC का बोर्ड लगा होगा, वहाँ आप एंटर करेंगे तो यहाँ रिसेप्शन है, रिसेप्शन पे जाकर अपने कार्ड को स्वैप कराना है, उसके बाद यहाँ पर आपको एंटर करना है। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे यहाँ पर बैठकर आप खाना खा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सारी फैसिलिटी आपको अवेलेबल है। इसके बाद यहाँ पर आप सिटिंग कर सकते हैं, यहाँ पर बैठकर आप अपनी ट्रेन का वेट कर सकते हैं, अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। आगे चलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे डिनर का टाइम है तो यहाँ पर डिनर आपको अवेलेबल मिलेगा, स्वीट में आपको खीर या फिर हलवा आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा, पनीर की सब्जी मिलेगी, सूखी सब्जी मिलेगी, सैलेड मिलेगा, कॉफ़ी मिलेगी। इसके अलावा दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आपको सूप का भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी बेनिफिट आप ले पाएंगे। और मैं अपनी थाली लेकर आ चुका हूँ, यहाँ पर रोटी, सैलेड, रायता, पनीर की सब्जी, खीर और ये जो पर्ची है जहाँ पर मैंने इसको जमा कराया है, उसके बाद मुझे यहाँ पर विजिट का ऑप्शन मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप थाली को ले सकते हैं, ये सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलेंगी। मैंने यहाँ पर 4 रोटी, आलू की सब्जी, खीर, पनीर की सब्जी, रायता और इसके अलावा आप सैलेड देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर मिली हैं। सिर्फ मुझे 2 रुपये का ट्रांजेक्शन करना पड़ा है। इसके बाद लास्ट में मैं सूप भी लेऊंगा, कॉफ़ी की फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगी और 3 घंटे तक आप यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। ठीक है, दाल भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ पर RO का पानी भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। साथ ही ये सूप मैंने लास्ट में लिया है, ये वेजिटेबल सूप है, यहाँ पर नॉनवेज भी अवेलेबल होता है बट आज यहाँ पर नॉनवेज अवेलेबल नहीं है, वेजिटेबल सूप है। देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत अच्छा है। मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। अगर मेहनत पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए।